घोषणा दोस्त प्रियंका मॉर्निंग में लेकर आ गई हूँ आपका खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बॉलीवुड। बिल्कुल गुड मॉर्निंग बॉलीवुड में अपडेट करवा रही हूँ आप सभी लोगों को बॉलीवुड की वो तमाम ताजा तरीन खबरें जो कि आपको बहुत ही सुबह सुबह मॉर्निंग में अपडेट करेगी। अब आप सोच ही लीजिए अगर गर्म गर्म चाय के साथ आपको कुछ ताजा तरीन खबरें मिल जाए तो भाई इसका मजा दुगना हो जाता है। तो हो जाइए तैयार और आपको बताते हैं कि आखिरकार भाई आज हमारी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के घर में हो गई है चोरी। तो वही भाई फरहान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई दिए हैं और भाई उन्हें लेकर के अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही हैं और इस तरह की कुछ चटपटी तो कुछ अनोखी कहानियां और अनोखी खबरें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ जुड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं एक खास अपडेट। कपिल शर्मा शो में सलमान खान ने खोले हैं भारत के कई राज। जी हाँ, और आपको बता दें दरअसल में द कपिल शर्मा शो सीजन 2 में सलमान खान अपने दोनों भाई और अपने पिताजी के साथ पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने जमकर मस्ती तो की ही लेकिन इसी के साथ साथ दोनों ने कई सारी बातें भी एक दूसरे के बीच साझा की। जी हाँ, और कपिल शर्मा शो में ही सलमान खान ने भाई अपनी शादी के सवाल पर बहुत ही अजब गजब जवाब दिए। सलमान खान ने कहा कि अब शादी तो छोड़िए। जी हाँ, बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान ने अपने फिल्मों में सफर तो शुरू किया लेकिन भाई उनकी शादी के साथ जो सवाल जुड़े आते हैं आए दिन सलमान से जो पूछे जाते हैं आखिरकार वो शादी के बंधन में कब बंध रहे हैं, लेकिन भाईजान हमेशा इस सवाल को टाल ही देते हैं। वहीं कपिल शर्मा शो में सलमान खान अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने कपिल ने जब उसने शादी की बात पूछी तो खास बात तो ये थी कि सवाल में सलमान की अपकमिंग फिल्म भारत के बारे में भी खुलासा किया गया। दरअसल शो में कपिल अपने घुमा फिरा कर सवाल करते नजर आए कि शादी का सीजन चल रहा है, दीपिका की शादी हो गई, प्रियंका की शादी हो गई, ऐसे में फिर भारत में आपका क्या रोल है। कपिल के इस सवाल में सलमान कहते हैं भारत फिल्म में जो उनका किरदार है उनकी शादी 72 साल के बाद होती है, मैं भी उसे फॉलो कर रहा हूँ। यानी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे सल्लू मियाँ खुद भी 72 ईयर्स के बाद शादी करेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास आई हुई है बॉलीवुड की बेहद ही ज़्यादा फेमस हीरोइन मौसमी चटर्जी को लेकर के। आपको बता दें खबर ऐसी आ रही है कि उनके घर पर दरअसल में चोरी हो गई है। जी हाँ, और चोरी होने की खबर को लेकर के 10 सालों से काम कर रही नौकरानी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। जी हाँ, वहीं अगली खबर की बात करें तो हमारे अगली खबर में आते हैं फरहान। जी हाँ, फरहान अपनी गर्लफ्रेंड को उनके बर्थडे पर बेहद ही खास तरीके से उनके साथ सेलिब्रेट करते नजर आए। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे फरहान अख्तर और उनकी गर्लफ्रेंड को लेकर तमाम अलग अलग तरह की खबरें अलग अलग तरह की जानकारियां वायरल होती रहती है। वाला आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारे पास आई हुई है हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। जी हाँ, लेकिन ये खबर पॉलिटिक्स के साथ नहीं बल्कि बॉलीवुड के साथ जुड़ी है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बाद अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है। फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक में पीएम मोदी के किरदार में विवेक ओबेरॉय हैं जो कि बहु प्रधानमंत्री की तरह नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस मौके पर आपको बता दें कि बॉलीवुड के और भी कई स्टार्स हैं जो कि इस फिल्म को लेकर तमाम अलग अलग तरह की जानकारियां अलग अलग तरह की बातें साझा कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें हाल ही में एक और एपिसोड के साथ जुड़ी जानकारी, पलक के सिर पर सज चुका है विंटर क्वीन का ताज। जी हाँ, आपको बता दें बर्फ से लदा हुआ मनाली के सर्द फिजाओं में चंबा की पलक शर्मा को विंटर क्वीन चुना गया है। विंटर क्वीन में आयोजित विंटर क्वीन स्पर्धा में कुल्लू की प्रशंसक प्रथम रनर अप और आर्यन सिंह द्वितीय रनर अप रही हैं और सोशल मीडिया पर इनके साथ की तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसके अलावा सोनी चिड़ैया से पहले भी चंबल के बिहांडा पर बन चुकी हैं 5 फिल्में, 3 तो उसमें की 3 फिल्में सुपरहिट भी रही हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये थी आज की बॉलीवुड की वो तमाम जानकारियां तमाम खबरें जो कि सुबह सुबह आप सभी लोगों तक हमने पहुंचा दी है। अब बारी है आपकी, कमेंट लाइक शेयर करिए और साथ ही हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट और जानकारी मिलते रहे आप लोगों को। फिलहाल तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए फिल्मी अड्डा।